तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइज यदि आपके भी मोबाइल में यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है, आपके यूट्यूब वीडियो नहीं चल रहे हैं और गाइज आपका यूट्यूब जो है बहुत ही ज़्यादा यह हैंग कर रहा है। जैसे गाइज मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर गाइज आपका जो स्क्रॉल डाउन या फिर गाइज स्क्रॉल अप बहुत ही लेट हो रहा है, आपका यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है। कोई भी वीडियो को ओपन करते हैं तो वो बहुत टाइम के बाद ही ओपन हो रहा है। यहाँ पर गाइज आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स शो कर रही है। तो यदि गाइज आप भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो गाइज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको सबसे पहले तो गाइज आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना होता है यूट्यूब। यूट्यूब सर्च करते गाइज आपके सामने यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। तो यदि गाइज आपका जो यहाँ पर कोई भी अपडेट शो कर रहा है तो सबसे पहले तो गाइज आपको अपने यूट्यूब ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको ये एक तो प्रोसेस सबसे पहले चेक कर लेना है। इसके बाद आपको एक और प्रोसेस चेक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से सर्च बार में आना है और यहाँ पर गाइस सर्च कर लेना होता है अपडेट। अपडेट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर सी अपडेट्स वाला ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गाइस आपको किसी भी एप्लीकेशन का यहाँ पर अपडेट शो कर रहा है, तो गाइस आपको उन सभी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना होता है। अपडेट न होने के कारण भी गाइस आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो वो सीधा जो लिंक है वो यूट्यूब से रहता है और गाइस आपका यूट्यूब हैंग हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस आपको सभी एप्लीकेशन को परमानेंटली अपडेट करके ही रखना होता है। तो यहाँ पर गाइस हमें कोई भी अपडेट शो नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए, तो गाइस हम इस यहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फिर गाइस आपको यूट्यूब पर आ जाना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर यूट्यूब पर एक लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर गाइस आपको एक ऐप इन्फो वाला ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस आपको ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस आपको स्टोरेज सेक्शन वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर गाइस आपका देखिए गाइस कैसे डेटा जो है 289 MB का यहाँ पर कैसे डेटा जो वेस्ट डेटा है वो यहाँ पर फिल हो गया है गाइस। तो यहाँ पर गाइस इन वेस्ट डेटा को आपको रेगुलरली डिलीट कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्लियर कैसे कर लेता हूँ। ध्यान रखना है गाइस आपको यहाँ पर क्लियर डेटा नहीं करना है, सिर्फ क्लियर कैसे करना है, जिससे कि गाइस आपका जो वेस्ट डेटा है वो टोटली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। वेस्ट डेटा बहुत ही ज़्यादा जमा हो जाता है, उसकी वजह से भी गाइस आपका जो यूट्यूब है वो बहुत ज़्यादा हैंग करता है गाइस। तो यहाँ पर मैंने वेस्ट डेटा को पूरी तरह से डिलीट कर लिया है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फोर स्टॉप का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस फोर स्टॉप पर क्लिक करके यूट्यूब को गाइस आपको यहाँ पर फोर स्टॉप का लेना है। जैसे गाइस आप इसे फोर स्टॉप करेंगे तो गाइस आपके ये लगभग जो आपकी जो मैंने जो ये ट्रिक्स बताई है उन ट्रिक्स से गाइस आपके जो यूट्यूब की हैंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी गाइस। तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आपके भी मोबाइल में यूट्यूब जो है हैंग कर रहा है तो गाइस कुछ इस टाइप से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चलो हो और वीडियो चलो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस अपनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।